तो दोस्तों, जो हम बात कर रहे थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, अगर आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी में हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई चैनल पैटर्न के अपर लेवल पर ऑलमोस्ट निफ्टी पहुंच चुका है, तो हमको यहाँ पर अब थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। हालांकि कोई इतना बड़ा मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया नहीं अभी निफ्टी में, या फिर मैं अगर बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन करके आपको दिखाऊं तो इतना कुछ नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी स्पेस पड़ा हुआ है ऊपर जाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट काइंड ऑफ, अगर थोड़ा सा नोटिस करें तो इसने यहाँ पर फर्स्ट टॉप बनाया था अपना, चैनल पैटर्न का अपर लाइन टच करके मार्केट नीचे आया। अभी फिलहाल इसी जगह पर ये रेजिस्टेंस ले रहा है। रीजन क्यों ले रहा है रेजिस्टेंस, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था और अभी भी इसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से, तो यूएस मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले कुछ दिन से बंद थे, तो अभी फिलहाल के लिए आज यूएस मार्केट ओपन हो जाएंगे। फ्यूचर्स जो रहते हैं यूएस मार्केट के, जैसे कि नैसडेक फ्यूचर, डाउ जोन्स के फ्यूचर, यूएस फ्यूचर जिसको हम कहते हैं, तो वो ओपन रहते हैं, बट ओवरऑल जो मार्केट रहता है वो क्लोज रहता है। तो अब मार्केट तो बंद थे बट आज ओपन होने वाले हैं, तो अब कल सुबह देखने को मिलेगा कि वहां पर तेजी हुई है, मंदी हुई है। अगर वहां पर तेजी होती है, मंदी होती है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमको हमारे मार्केट पे देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से हम न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज रोटेशन की यहाँ पर बात करें, तो आज के दिन पे कौन से वो सेक्टर थे तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो हेल्थ केयर, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर आज हमको निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। आज सबसे ज्यादा पिटाई जो हुई है रियलिटी सेक्टर में हुई है, पावर सेक्टर में हुई है, और जो थोड़ा सा यहाँ पर न्यूट्रल था जिसमें गिरावट नहीं हुई वो था हेल्थ केयर सेक्टर, यानी कि फार्मा सेक्टर। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी सेक्टर आप देख रहे हो, कंज्यूमर गुड ले लो, ऑयल एंड गैस ले लो, टेलीकॉम सेक्टर ले लो, 1 से 1.5% की गिरावट आपको हर सेक्टर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। रीजन क्या हुआ है इस गिरावट का, कि जैसा कि मैंने अभी आपको चार्ट पे दिखाया, डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी अपने टॉप में पहुंच चुका है, तो डेफिनेटली यहाँ से थोड़ा सा मार्केट वेट करेगा एक बड़े ट्रिगर का जो कि आपको 4 जून को मिलने वाला है। अब इतनी बड़ी रैली, अब खुद देखो ना यार, मार्केट यहाँ आया था, इस लेवल पर आया था, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, मार्केट इस लेवल पर आया था, इसके पास बिना कोई ट्रिगर के जब ये यहाँ से यहाँ तक गया है, इतनी बड़ी रैली दे दी है, थोड़ा सा वेट तो करेगा। अब है कितने दिन बचे हुए, 3-4 दिन मेरे ख्याल से बचे हुए हैं, 5-6 दिन बचे हुए हैं अभी, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेगा कि भाई यहाँ पर क्या रिजल्ट आने वाले हैं इलेक्शन के, और उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि छोटे टाइम फ्रेम है, छोटे टाइम फ्रेम पर हम किस तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर विजिट करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, या फिर हम एक काम करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, तो आज के दिन पे मतलब कुछ भी मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिल रहा है निफ्टी के चार्ट में, कुछ भी मोमेंटम, एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई। पहले तो ये कहीं गया नहीं, एक की रेंज में ट्रेड करता रहा, फिर इसने क्या किया, सेकेंड हाफ में अपना एक ब्रेक डाउन दिया और ज़्यादा नीचे नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा ही नीचे आया, मुश्किल से 40 पॉइंट नीचे आया है। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल साइडवेज ही हमको देखने को मिल रहा है। अगर टॉप की बात करें, जो इसने स्टॉप लगाया था 22,980 से लेके 22,880 आए, तो क्लोजिंग क्लोजिंग तक 100 पॉइंट फिसल चुका था, लेकिन बीच में एक रिवर्सल भी हमको ये देखने को मिला था ऊपर की तरफ। कल क्या हो सकता है, जैसे कि कल का थंबनेल अगर आपको याद होगा, तो मैंने कल के थंबनेल में लिखा था कि कल मार्केट में ट्रैप होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट में हुआ। आपको बता दूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और ऑर्डिनरी एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में जनरली देखा गया है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर मार्केट में इंजेक्शन देखने को मिलते हैं। अब आप कहोगे इंजेक्शन क्या नया चीज है, मार्केट क्या होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, चल रहा होता है, अचानक से 300 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बन जाती है मार्केट में, या फिर मार्केट चल रहा होता है धीरे 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 करके, और अचानक से 200 पॉइंट की ग्रीन रेड कैंडल बनती है, और फिर मार्केट अपने न्यूट्रल लेवल पे आ जाता है। तो इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। अब जो 200 पॉइंट का नीचे का मोमेंटम देता है, इतने में जो इसके छोटे छोटे प्रीमियम्स रहते हैं पुट वाले, जो 5 रुपये का पुट या 50 रुपये का पुट, ये तब तक 200, 250, 300 और 400 टच करके आ जाता है, जहां पर ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो बच के रहना, कल मंथली एक्सपायरी बहुत ही डेंजरस साबित हो सकती है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखें, तो छोटे टाइम फ्रेम पर इट इज अ मेकिंग काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम, बट इतनी इसकी यहाँ पर रेलिवेंस है नहीं अभी इस टाइम फ्रेम पर। तो अगर हम देखें मार्केट, मान लो कल सुबह हमको, जैसे कि यूएस मार्केट कल ओपन होने वाले हैं, और यहाँ कहीं मिल जाता है जो कि लेवल है 22,780, तो मेरे को लगता है ये एक बेस्ट आपको डिप बाइंग लेवल आपके लिए हो सकता है निफ्टी की। मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, दिस कुड बी द बेस्ट डिप बाइंग लेवल इन निफ्टी फॉर अ बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी, यानी कि कल की मैं बात कर रहा हूँ वेडनेसडे के दिन के लिए। तो एक मेरे पास बाइंग लेवल तो ये हो गया।
दूसरा बाइंग लेवल मार्केट जब यहाँ आएगा, अब देखो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कि 400 पॉइंट का दायरा है, 400 पॉइंट का दायरा इतना दूर मेरे को लगता नहीं है कोई सेंसिबल होगा लेवल देना। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर निफ्टी इस लेवल को निकालता है 23,000 को, देखो मेरी मेरी बात समझने का ट्राई करना, मुझे पता है आप कई और लोगों की वीडियोस भी देखते होंगे मार्केट एनालिसिस की, इट इज़ ओके। लेकिन अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और थोड़ा न्यूट्रल होके देखो, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगी कि भाई मार्केट 23,000 के लेवल को ऊपर के लिए तो तोड़ रहा है, चलो, और मैं बहुत ही डेस्परेट हूँ इंट्राडे ट्रेड लेने के लिए, कॉल लेने के लिए, तो मैंने कॉल ऑप्शन ले भी लिया, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कहाँ पर मुझे बताइए। ऊपर मार्केट के पास रजिस्टेंस ही रजिस्टेंस है, एक तो आपका ये चैनल पैटर्न है जो डेली टाइम फ्रेम पर उसका रेजिस्टेंस है, फिर दूसरा मार्केट कभी इसके ऊपर गया नहीं है तो वो खुद ही एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है, तो ये थोड़ा रिस्की जरूर हो सकता है, इसलिए मैं इस लेवल को रिकमेंड नहीं करूंगा। बट आप वॉच आउट कर सकते हो 23,000 के ऊपर, जो बेस्ट सेफ लेवल हो सकता है वो यही हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये तो रही बाइंग की बात, अब आते हैं निफ्टी में कि अगर सेलिंग होती है तो कहाँ कहाँ पर सेलिंग के हमारे लेवल होने वाले हैं। निफ्टी का दोस्तों जो हमारा पहला सेलिंग लेवल कितना होने वाला है वो होगा 22,750 का ब्रेकडाउन, 22,750, यानी कि ये ब्लैक लाइन तोड़ेगा 780, मार्केट यहाँ भी तोड़ रहा है 750 को भी तोड़ रहा है। अब यहाँ पर बीच में कोई भी सपोर्ट है नहीं, मार्केट के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो ये इतना स्पेस हमारे पास फ्री हो जाता है, और अगर बाई चांस आ गया 22,750 के नीचे तो मेरे को लगता है एक बहुत ही शानदार ट्रेड डाउन साइड के लिए निफ्टी में हमको बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो ये आपका एक पहला सेलिंग लेवल रहा, और एक तो आपको पता ही है यार वो तो राउंड नंबर है, हर कोई जानता है कि 23,000 मैं इसलिए बाइंग लेवल नहीं दे रहा था क्योंकि अब एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो ये जो रेंज मैंने ड्रॉ करी है यहां पर, मैं भी लिख के भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ये रेंज आपकी होने वाली है 23,000 से लेके 23,050, यानी कि 23,000 से लेके 23,050, ये जो रेंज रहेगी ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाली, एज अ सेलिंग रेंज की तरह हमारे लिए काम करने वाली कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये रही दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में, डेली टाइम फ्रेम को एक बार ओपन करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पर समझेंगे, क्योंकि लेवल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉचपॉच थोड़ा सा दिखाई पड़ रही होगी आपको, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। सेम चीज़ मैं जो आपको बता रहा था वही डेली टाइम फ्रेम पर एक एम पैटर्न बन रहा है या डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, जो मर्जी कह लो, जब तक बैंक निफ्टी इस हाई को नहीं तोड़ देता तब तक हम थोड़ा सा कसमकस में है, और कसमकस में रहेंगे। क्यों रहेंगे कसमकस में, मैं आपको बताता हूँ। देखो चार्ट को थोड़ा सा जूम करो, अभी देखो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है 49,100 के आसपास, 49,600 और 500 के आसपास तो एक रेजिस्टेंस है, 500 पे भी एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए, फिर एक 600 पर भी है, और जैसे 600 को निकालेगा फिर कौन सा लेवल निकल कर आ रहा है अब आप देखिए। तो क्या बताइए रेजिस्टेंस नहीं है, ये खुद में इतना बड़ा नंबर है कि ये छोटे मोटे सब रेजिस्टेंस कुछ काम के नहीं है, ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस है 50,000 का। तो ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा, बट मार्केट कैन वेट, मार्केट वेट कर सकता है थोड़ा सा, और बहुत बड़ा मोमेंटम एक बैंक के निफ्टी ने दिया है तो अब कुछ दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, लोगों को खूब एसएल हिट कर सकता है और फिर ये अपने डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो इस चीज़ को समझने का ट्राई करो। अभी चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर कि ये तो हमने समझ लिया, अब छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या वो लेवल्स होने वाले हैं जिनको हम ट्रेड करके चल सकते हैं। जिस लेवल पर अभी आपको बैंक निफ्टी दिखाई पड़ रहा है वो है आपको 49,000 का, और यही लेवल मेरे लिए एज अ एक बाइंग लेवल की तरह होने वाला है 49,000 to 49,060, यानी कि 49,000 से लेके 49,060, ये मतलब कुल मिला के आप ये मान के चलो यार, ये जो लेवल है ये एक डिप बाइंग रेंज है, अगर कहीं यहाँ आसपास ओपन होता है और 9:35 तक इसी लेवल के आसपास रहता है और फिर अपनी डायरेक्शन लाइक दिस दिस काइंड ऑफ अगर ये कुछ करता है तो फिर हम एक ऊपर की साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और ये हमारा डिप बाइंग लेवल की तरफ होगा। सेम जैसे कि निफ्टी में एक डिप बाइंग लेवल था, बैंक निफ्टी में एक ही डिप बाइंग लेवल है। सेलिंग की बात करूं तो जैसे ही मार्केट 48,950 48,950 को डाउन साइड के लिए तोड़ता है, अब 48,950 कहाँ पर है, 48,950 है कहीं मार्केट में इधर के आसपास यहाँ पर देखिए, तो यानी कि अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, इस सपोर्ट को नहीं सस्टेन कर पा रहा है और 48,950 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पर हमको बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है। और कल इसकी मंथली एक्सपायरी भी मैंने आपको 2-3 बारी बता दिया। मान लो यूएस मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो गया क्योंकि 2-3 दिन बाद ओपन हो रहे हैं, और हमारे मार्केट में भी ओपन हुआ, और अगर ये कहीं 49,050
400 के आसपास, ध्यान देना किस केस में, केस सुन लो, सिचुएशन समझ लो, 49,400 to 500, सिर्फ और सिर्फ गैप अप ओपनिंग अगर देता है तो फिर ये सेलिंग लेवल की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग करने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तब नहीं, तब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर एक गैप अप ओपन होता है तभी ये सेलिंग लेवल की तरह एक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो आई होप कि आप कंडीशन समझ गए होंगे व्हाट आई एम टेलिंग यू। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो कि मैं आपको लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ। कभी कभार मैं कुछ ही स्टॉक्स के चार्ट भी शेयर कर देता हूँ जो कि जिनमें पोटेंशियल थोड़ा दिखाई पड़ता है, बट आपको व्यू मैं जरूर जानना चाहता हूँ। कभी बाई सेल, तो ये तो खैर घटिया चीज़ हो गई, बाई सेल तो कभी देना भी नहीं चाहिए किसी को, बट हाँ आपसे मैं पूछता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक में या फिर इस चार्ट में, ये कुछ लेवल शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करते हो। बात करते हैं फिन निफ्टी के इंडेक्स के बारे में, तो फिन निफ्टी को देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। पहले 1 डे के टाइम फ्रेम पर सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट है जो आपका बैंक निफ्टी में बन रहा है, वही चार्ट आपका फिन निफ्टी में भी बन रहा है। तो इसको क्या करते हैं, एक बार हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं, 1 आवर नहीं, सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं, क्योंकि आज इसमें कोई भी मोमेंटम हुआ नहीं। आज इसकी एक्सपायरी क्या थी, तो ये बिल्कुल दूल्हा राजा बना हुआ था, बिल्कुल खिसकने के लिए तैयार ही नहीं था अपनी कुर्सी से, तो कुछ मोमेंटम बस, हाँ वीक बहुत बनाया जा रहा था, अप एंड डाउन, यानी कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में डिके नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था प्रीमियम में डिके? क्योंकि इंडिया विक्स भाई साहब 24 पे ट्रेड कर रहा है, तो 24 पे इंडिया विक्स का ट्रेड करना माने कि आप समझ जाओ कि एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी। ये देखो कितना तगड़ा तरीके से इंक्रीज हुआ है पिछले 1 महीने में, तो ये तो लाजमी सी बात है, होना ही होना था। अगर बात करें 15 मिनट के चार्ट पे क्या हमारे लेवल्स होने वाले हैं कल के लिए, तो अब देख के ही लग रहा है कि भाई ये इसका सपोर्ट कितना एक्ट करने वाला है, तो 21,850, यानी कि ये वाला लेवल। तो ये लेवल एज अ बाइंग लेवल की तरह, डिप बाइंग लेवल की तरह फिन निफ्टी में एक्ट करेगा, इन केस ऑफ स्लाइट गैप डाउन या थोड़ा बहुत स्लिप कर जाता है नीचे के लिए, तो एक बाइंग लेवल की तरह एक्ट कर सकता है ऊपर के लिए। एक ही बाइंग लेवल है, सेलिंग लेवल की जो मैं बात करूंगा तो वो होने वाला है आपका 22,050 to 100। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बात करी थी बैंक निफ्टी में कि अगर गैप अप होगा तो ही वो लेवल हमारे लिए सेलिंग की तरह एक्ट करेगा, अभी बताया था ना आपको। सेम स्टोरी फिन निफ्टी की भी है, फिन निफ्टी अगर 22,050 से लेके 22,100 के आसपास सिर्फ और सिर्फ गैप अप, ओनली गैप अप ओपनिंग देता है तो ही ये रेजिस्टेंस और सेलिंग की तरह एक्ट करेगा, अदरवाइज अगर ये फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है तब ये सेलिंग की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर मिस्टेक मत कर देना, आप लोग समझ लो ध्यान से मैंने क्या कहा है, नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करो पीछे। वैसे समझ गए होंगे कि सिर्फ गैप अप में ही सेलिंग की तरह एक्ट करेगा, फ्लैट ओपन होके जाता है तब नहीं। अच्छा, दूसरा सेलिंग लेवल भी है एक फिन निफ्टी में और वो है 21,820, 21,820, तो यानी कि 21,820 कहीं इधर आपका निकल कर आता है, इधर के आसपास सॉरी, तो 21,820 को अगर फिन निफ्टी तोड़ता है तो फिर आपको देखो सेलिंग देखने को मिलेगी। रीजन क्या है सेलिंग देखने को मिलने का, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट है नहीं और ये एक यहाँ कहीं आज छोटा मोटा सपोर्ट है, तो एक फ्री स्पेस है काइंड ऑफ फिन निफ्टी में, तो एक बहुत ही प्यारा ट्रेड डाउन साइड का यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वीडियो के बीच में मैं बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना, लेकिन मुझे पता है आपने पहले ही वीडियो को लाइक कर दिया क्योंकि आपको डेफिनेटली वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।